इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सिवनी केवलारी में राजस्व विभाग में 11 करोड़ रुपए गबन का मामला आया सामने। आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली राहत राशि में करोड़ों का गबन। तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी पर गंभीर आरोप। पुलिस थाना केवलारी में दर्ज हुआ संगीन धाराओं में मामला। केवलारी विधायक राजेश पाल सिंह ने दिखाए सख्त तेवर। सीबीआई और सीआईडी जांच की मांग। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संज्ञान में लगाएंगे पूरा मामला। कई अन्य लोगों के शामिल होने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की कही बात। ऐसा देखा जाता है कि करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाला मास्टरमाइंड बच जाता है और जब ये राज खुल जाता है तो पूरी कार्रवाई छोटे कर्मचारी पर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला सिवनी के केवलारी राजस्व विभाग के सामने आया है, जहां पर सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से होने वाले मौतों पर जो 4 लाख की राशि दी जाती है, उस राशि को फर्जी मृतकों के नाम बताकर लगभग 11 से 12 करोड़ का घोटाला सामने आया है। किंतु मामला खुलने पर पूरी जवाबदारी सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी के ऊपर ला दी गई है। केवलारी राजस्व विभाग केवलारी में आरबीसी 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों और उनके परिजनों को दी जाने वाली राहत राशि में 11-16 के गबन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद केवलारी तहसीलदार हरीश लालवानी के निर्देश पर पुलिस थाना केवलारी में सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी सहित दहायत के खिलाफ धारा 408, 409, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवलारी तहसील कार्यालय में पदस्थ उक्त कर्मचारी द्वारा आधा सैकड़ा लोगों को अनुचित लाभ दिया गया है। अब पुलिस इन सभी के खाते खंगाल रही है। फिलहाल राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने मामला विवेचना में होने वाला हवाला देते हुए कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। इस पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक राकेश पाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये काम किसी एक व्यक्ति या कर्मचारी का नहीं है, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। केवलारी में जो पूरा मामला खुल के आया है, क्या मामला है, क्या मामला में धारा दर्ज है? तहसीलदार केवलारी द्वारा थाना केवलारी में एक प्रकरण दर्ज कराया गया है। उनके द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार उनके कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी है जिसका नाम सचिन धायक है, जिसके पर आरोप है कि उसके द्वारा जो क्षेत्राधिकार के विभिन्न गाँवों में प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली मृत्यु के फलस्वरूप जो आरबीसी के अंतर्गत उन्हें राहत राशि प्रदान की जाती है मृतक पक्षों को, उसमें घपलेबाजी की गई है और 250 से अधिक हितग्राहियों को जो योग्यता नहीं रखते थे उनके विभिन्न खातों में पेमेंट किया गया है। इस संबंध में FIR दर्ज की जाकर धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में अन्य तथ्यों के विषय में भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसमें अन्य कौन कौन शामिल है इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है। विधायक द्वारा CBI जाँच और सिट की मांग की गई है, इस मामले अगला कदम क्या है? जिला स्तर पर बेहतर से बेहतर विवेचना कर जो भी आरोपी इसमें हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।